आचार्य गुरुवर के चरणों में प्रणाम। आए हुए सभी शिष्यगण, हमारे गीता सेवा प्रचार में लगे हुए सारे भक्तगण और सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबके चरणों में प्रणाम। आज अभी अभी महाराष्ट्र हमने मकान का रिनोवेशन कराया था और अभी हमारा शिफ्टिंग ही चल रहा है। उससे पहले भगवान सबसे पहले यहाँ पधारे हैं, अब आचार्य भाई भगवान को लेके पधारे हैं, तो मैं बहुत गदगद हूँ, अभिभूत हूँ। मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करती हूँ। प्रभु को मैं इतनी प्रसन्न हुआ है कि प्रभु ठाकुर खुद आके इसका इस घर में विराजे हैं और आप सब ने घर को पावन किया, पवित्र किया। हम जिस भगवान जो सनातन धर्म के जो हम लोग अनुयायी हैं, हम सनातन धर्म जो हमने भगवान ने हमें साक्षात सनातन धर्म में पैदा किया है, ये हम सबको महासौभाग्य है। हमने जीवन को बहुत जाना ही, हम इस सनातन धर्म से जीवन जीना ही नहीं सिखाता। ये जीवन का हर पल कैसे जिया जाए, जीवन को हर पल किस तरह से हम हंसते खेलते अपने पूरे जीवन का, और जो इसका सार है, जिसका अंत है कि जीवन में आने के बाद मनुष्य को क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ जाना है। ये जब तक अगर व्यक्ति को यही पता नहीं होगा मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ, तो उसे भटकता ही रहेगा। और ये हम सनातन धर्म से, हमने अपने भागवत धर्म से और भगवत गीता से हमने इतनी सरलता से इन चीज़ों को जाना है, समझा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महापुरुषों का संग मिलता है, हमें ऐसे हमारे इतने महान ग्रंथ हमारे पास है, इतने महान शिक्षा नीति सब कुछ हमारे पास है। हम धन्य हैं और हम बार बार प्रभु को प्रणाम करते हैं कि प्रभु हमें ऐसा ही आशीर्वाद देते रहना, हमें इसी तरह संत समागम कराते रहना, इसी तरह हमें भक्तों से जोड़ते रहना। क्योंकि उमति और सुमति सबके अंदर रहती है, सुमति तो परमात्मा ही दे सकता है, तो परमात्मा और परमात्मा के प्यारे भक्त, बस आप लोग आते रहे, आप लोग हम लोग उन्हीं लोगों से जुड़े हैं। हमें प्रभु बस कुशल से दूर रखना, हमारे ऊपर इतनी कृपा करना, बाकी हमें भक्तों से मिलाते रहना, जोड़ते रहना। ऐसे संतगण हमारे इस कुटिया में पधारे हैं और भगवान के हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे, इसी अपेक्षा से आप सबके चरणों में पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।